क्लास 10th। नाउ जो आज का टॉपिक है दैट इज़ एसी जनरेटर, जो कि इस साल आपके कोर्स में नहीं है क्लास 10th के, बट ये टॉपिक क्लास 12th में यूज़ होगा, बट आपके एनसीईआरटी में और एडिशनल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउ एसी जनरेटर, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, टू मैग्नेट हैं नॉर्थ एंड साउथ, और उसके बीच में एक कॉइल है, उसको रोटेट करेंगे और रोटेट करने से यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी। तो नाउ व्हाट इज़ एसी जनरेटर। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स जब आप कॉइल को रोटेट करेंगे, है ना, रोटेट करेंगे यानी मैकेनिकल एनर्जी, और देन मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने से क्या होगा, करंट इंड्यूस होगी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जनरेट होगी। दैट व्हाई इट्स कॉल्ड जनरेटर, बिकॉज मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है। नाउ व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपने लास्ट टॉपिक में स्टडी किया था। अकॉर्डिंग टू फैराडेज क्या है, जब कोई कॉइल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने से करंट इंड्यूस होती है उस कॉइल में। ओके, नाउ अब आप ये कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल टू मैग्नेट के बीच में ये जो कॉइल है उसको रोटेट करना है। रोटेशन आप देख सकते हो, रोटेशन ऑफ कॉइल क्लॉकवाइज मेंशन है आपको। कॉइल का नाम ए बी सी डी आर्मेचर कॉइल दिया गया है। आर्मेचर कॉइल के जो एंड्स हैं टू स्लिप रिंग्स से कनेक्टेड हैं, और स्लिप रिंग्स कनेक्टेड हैं लाइट कॉन्टैक्ट में ब्रशेस के साथ। उसको फिक्स नहीं किया, बस कॉन्टैक्ट में है। स्लिप रिंग रोटेट करेगी और उसके थ्रू करंट ब्रशेस के थ्रू पास होकर के उस जो रेजिस्टेंस का सिंबल बना है वहाँ से जब पास होगी तो उसके अक्रॉस आपको करंट मिलेगी यानी वोल्टेज मिलेगा, जो कि इंड्यूस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा। नाउ कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, जो मैंने अभी डायग्राम शो किया था, दो मैग्नेट है यानी फील्ड मैग्नेट जो कि हॉर्सशू टाइप मैग्नेट होंगे, कॉनकेव टाइप का उसका पुल बनाया है सो डेट कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल सके। सेकेंड आर्मेचर कॉइल ए बी सी डी है, इसके फोर आर्म हैं और लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉपर वायर के, इंसुलेशन होते हैं उसके ऊपर, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और जितने टर्न्स होंगे उसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस वोल्टेज उतना ही हाई होगा। स्लिप रिंग्स जो हैं वो एंड में, जो कॉइल है उसका एंड टू स्लिप रिंग्स से कॉन्टैक्ट में होंगे, और स्लिप रिंग की हेल्प से करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, और वो स्लिप रिंग्स किससे कनेक्टेड है, फोर्थ पॉइंट ब्रशेस से। वो कार्बन ब्रशेस जो B1 B2 है वो लाइट कॉन्टैक्ट में है, जिससे करंट जो इंड्यूस हो रही है वो पास ऑन होगी उस एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस में, जिसके अक्रॉस आपको इंड्यूस वोल्टेज मिलेगा। नाउ वर्किंग पे आ जाते हैं, जैसा आप डायग्राम देख सकते हैं, ए बी सी डी जो कॉइल है उसको हमने क्या किया, क्लॉक वाइज वे में रोटेट किया। जब रोटेट किया तो जो आर्म ए बी है इट विल मूव अपवर्ड एंड द आर्म सी डी विल मूव डाउनवर्ड। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, और राइट हैंड रूल अप्लाई करने पे हम ये देखेंगे जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट आर्म ए बी पे है वो ए टू बी डायरेक्टेड है, क्योंकि वो अपवर्ड मूव कर रहा है, और जो सी टू डी है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो उसमें करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी। बट आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, आफ्टर हाफ रोटेशन ए बी की पोजिशन पर सी डी आ जाएगा और सी डी की पोजिशन पर ए बी आ जाएगा, मीन्स करंट की इंड्यूस डायरेक्शन करंट की क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मीन्स आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन करंट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ये जो जनरेटर है वो उसमें क्या है, करंट जो मिल रही है वो ऑल्टरनेटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, यानी कंप्लीट रोटेशन में दो बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है एसी जनरेटर, है ना। नाउ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो जनरेट हुआ, कब जनरेट हुआ, जब कॉइल को रोटेट किया, उसमें जो वोल्टेज इंड्यूस होगा दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। नंबर टर्न्स जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जनरेट होगी। सेकेंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन स्पीड, किस स्पीड से, जितनी तेज़ी से आप घुमाएंगे उतनी तेज़ी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होगी, उतनी हाई वोल्टेज का करंट सॉरी वोल्टेज इंड्यूस होगा। ना अब एक न्यूमेरिकल आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन दिया है कि रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर वायर का जो है उसको रोटेट कर रहे हैं, इंड्यूस करंट जो चेंज होगी उसकी डायरेक्ट बताना है कितनी टाइम्स चेंज होंगी, वंस इन हाफ रेवोल्यूशन या टू रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन या वन फोर्थ। यस, हाफ रेवोल्यूशन के बाद करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, यानी एक रोटेशन में दो बार और हाफ रेवोल्यूशन में एक बार। ओके, तो ये कंसेप्ट था आपका ऑल्टरनेटिंग करंट का, इस वीडियो को आप रिवाइज कर लेंगे, और ये कोर्स में नहीं है सर, बट नॉलेज के लिए आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में ये है। ओके क्लास, थैंक यू।